हाय डियर फ्रेंड, 27 जुलाई 2020 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो वो है रूस, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो 7.4% कम हुआ है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी फोर पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो वो है पुडुचेरी, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 129 स्थान पे है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में। हाँ, कितना स्पीड में आपका इंटरनेट चलता है उसके मामले में 129 प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश किया है? तो वह है अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? तो वो है उत्तर कोरिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो वह है कर्नाटक, ठीक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है कर्नाटक ने। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? शहद मतलब जो आपका जो मधु बोला जाता है, ठीक है, वो चीज़ें कहाँ स्थापित की, उसका प्रयोगशाला मतलब उसका लैबोरेटरी स्थापित किया गया है, वो कहाँ है? आनंद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन फिर आपके सामने लेकर आएंगे, देखते रहिए और एन्जॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।